वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आकांक्षा फिर एक नए वीडियो के साथ आई हूँ और इस बार का जो मतलब कि मैं वीडियो लेके आई हूँ वो ब्लाउज कलेक्शन लेके आई हूँ। आपके बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे मेरे पास कि आप ब्लाउज कलेक्शन लेके आओ, तो मैंने फर्स्ट पार्ट इसका बनाया हुआ है, ये सेकेंड पार्ट है। और अगर आप इसको ना बहुत सारा प्यार देंगे तो इसका थर्ड पार्ट भी बहुत जल्दी आएगा। तो चलिए ज़्यादा बात नहीं करेंगे, वीडियो को स्टार्ट करेंगे। पर स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो सबसे पहले मैं अपना फर्स्ट ब्लाउज दिखा रही हूँ आपको। जो मेरा फर्स्ट ब्लाउज है ये मैंने एक जॉर्जेट की साड़ी अमेजोन से ऑर्डर किया हुआ था, उस साड़ी का ये ब्लाउज है। बहुत सारी चीजों पे मैं पहनती रहती हूँ, मतलब कि आपने देखा होगा वीडियो पे, तो बहुत सारे वीडियो पे मैंने इसको पहना हुआ है। आप बैक साइड से सबसे पहले दिखा रही हूँ, बैक साइड आप देखोगे ना तो इस तरीके का वी नेक दिया हुआ है जिसमें ना लॉक टाइप की डिजाइन बनी हुई है। तीन डिजाइन आपको साथ में दिखेगी, मतलब तीन डिजाइन ऐसे बनी हुई है इसमें। इसको मैंने फ्रंट ओपन करवाया हुआ है। इसका ना जो साड़ी है उसके साथ में पिक्चर लगा रही हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। फ्रंट से मैंने इसको ओपन करवाया हुआ था, तो फ्रंट आप देखोगे तो फ्रंट ऐसा मतलब ओपन है और इसका ना प्रॉपर गोल गला नहीं है, वी नेक में थोड़ा सा गोल गला का टच देके इसका नेक बना हुआ है। स्लीव आपको नॉर्मल मिलती है, जैसे मैं ना इस टाइप के ब्लाउज इस टाइप की साड़ियों पे ना मैं ऐसे नॉर्मल स्लीव ही बनवाती हूँ। तो ये मुझे फर्स्ट था मेरा ब्लाउज जो मुझे बहुत अच्छा लगा, एकदम सिंपल सी डिजाइन है। आप अगर घर में जैसे कि ना डिजाइनर ब्लाउज पहनना चाहते हो ना, कि आपको बहुत हैवी नहीं होना चाहिए, डिजाइनर सा ब्लाउज होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग ये सिंपल ब्लाउज था। अब सेकेंड ब्लाउज की बात करें तो ये भी मेरा बहुत ही प्यारा है, एक रेड कलर की मेरी साड़ी, उस पर का ये ब्लाउज था। बट ये मैं बहुत सारी चीजों पे पहनती हूँ। इसका नेक आप देखोगे वोट नेक है पर थोड़ा सा डाउन है और इसमें पाइपिंग हुई है। इसके बैक साइड अगर मैं बात करूं तो बैक साइड आप देखोगे तो इसमें ना बैक साइड नेक जैसा सामने का नेक है ना, वैसे ही बैक साइड नेक है। ये आपको बटन मिलेगी, जो बटन आप खोल भी ऐसे सकते हो, आपको पहनने में प्रॉब्लम नहीं होगी। और इसमें ना जो मैं राउंड सा आप देख रहे हो उसमें डीप का भी लुक आ रहा है, मैंने इसमें पव लगाया हुआ है और नीचे ना ऐसे दो हुक लगे हुए हैं, मतलब थोड़ा सा डीप है ये। हुक के साथ साथ ना इसमें इस तरीके के ऐसे ना अलग से, मतलब हुक के तरफ की जो पट्टी होती है उसमें इस तरीके से नॉट बना हुआ है। तो ये साड़ी का ना ये बहुत लुक दे देता है इस ब्लाउज को मैं पहनती हूँ। और इसमें सिंपल सी ना 3 इंचेस की मैंने स्लीव बनवाई हुई है। तो ये जब मैं ना वेयर करती हूँ इसको, मैं किसी भी लहंगे पे भी पहन सकती हूँ इसको। मैं बहुत सी साड़ियाँ हैं, हल्दी की कई बार साड़ियाँ ऐसी होती हैं जिसमें ना आप अगर सिंपल सी प्लेन सी साड़ी है तो आप उसमें रेड का टच दे दीजिए, तो रेड साड़ी हम लोगों को बहुत ज़्यादा यूज होती है। अब मैं अपनी सेकेंड ब्लाउज जैसे मैंने दिखाया, अब मैं आपको थर्ड बता देती हूँ। थर्ड जो है आप ये देखोगे तो फ्रंट आपको दिख रहा होगा इस तरीके का, मेरी एक साड़ी का ये ब्लाउज है जिसमें ना मैंने उसमें ना जो डिजाइन बनी हुई है वो मतलब ग्रीन के साथ रेड के उसमें फ्लावर बने हुए हैं। तो इस तरीके से ना इसमें दूसरे ब्लाउज का कपड़ा लगा के, ये जॉर्जेट का है तो जॉर्जेट के कपड़े के साथ नॉर्मल ऐसा कपड़ा लगा हुआ है। ये इस तरीके की 5 ऐसे पत्तियां बनी हुई है और ये वी नेक का है। बैक साइड की बात करें तो बैक साइड भी ना जहां पर हम लोगों को हुक वगैरह मिलता है उस तरीके का यहाँ पे भी बना हुआ है डिजाइन जैसे फ्रंट में मिलेगा, और उसी तरीके का ना इसमें हम लोगों को पट्टी मिलती है जो कि मतलब ब्लाउज में अधिकतर डिजाइन मिलती है, तो उसके कलर के टच के साथ इसमें भी बना हुआ। तो ये साड़ी का ब्लाउज मुझे इतना ज्यादा अच्छा लग रहा है, तो मैंने ना इसकी जो पिक्चर्स मैं लगा रही हूँ साड़ी के साथ पेयर करके लगा रही हूँ। कई बार क्या है ग्रीन कलर के ब्लाउज के साथ में ना इसका टच दे देती हूँ, यानी कि थोड़ा सा जैसे ग्रीन मुझे पहनना है, कोई साड़ी का टच है उसमें, तो मैं इसको पहन लेती हूँ रेड साड़ी के साथ। तो मुझे ये ब्लाउज बहुत ज्यादा पसंद था। अगर ये डिजाइन आपको अच्छी लग रही है ना तो आप जरूर से जरूर इसको बनवाइए, बहुत अच्छा लगेगा। मेरे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर मेरे इंस्टाग्राम की आईडी आपको साइड में दिख रही होगी, उसको फॉलो कर लीजिए। इसके आपको पूरे लुक मिल जाएंगे, मैं बहुत सारी डिजाइन है ब्लाउज वगैरह उसमें वेयर की रहती हूँ, तो आपको थोड़ा सा ऑप्शन भी मिल जाएगा, तो उसको भी जाओ फटाक से फॉलो कर लो। अब मैं अपने ना नेक्स्ट ब्लाउज दिखाऊं तो मैंने भी ये साड़ी पर का ही था, लेकिन ब्लैक है तो यूज ही होता है। सामने से मैंने गोल गला बनवाया हुआ है, ये स्लीवलेस ब्लाउज है। बैक साइड की बात करें तो बैक साइड थोड़ा सा डीप है क्योंकि मैंने ना इसमें पव लगवाया हुआ था, और इसी में ना ऐसे 3 हुक 2 हुक बने हुए हैं, मतलब आप समझ जाओगे कि कितना वो होगा डीप होगा, और इस तरीके का नॉट बना हुआ है। तो ये भी इतना प्यारा लग रहा है लुक में, इतना ज्यादा प्यारा पीस लग रहा है कि इसको मैं बहुत सारी साड़ियों पर वेयर करती रहती
करती हूँ, क्योंकि ना इसका जो फैब्रिक भी है, फैब्रिक भी बहुत अच्छा है, साड़ी की क्वालिटी भी अच्छी थी, तो इसको ना मैंने सोचा था कुछ इस टाइप से सिलवाऊं कि मैं सब पे भी पहन सकूँ, उस पर भी पहन सकूँ। तो इस टाइप की जो फैब्रिक के होते हैं ना, जैसे शॉटन का है ये, तो शॉटन के फैब्रिक के अगर आप ब्लाउज को स्टिच कराते हो ना, तो फिर आपका स्लीवलेस ज्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि इसमें और कोई डिजाइन स्लीव पे करवाओगे तो वो भागता है, टेलर को भी प्रॉब्लम होती है। तो और आपके लिए वो अगर डिजाइन कंफर्टेबल, मतलब उसमें तो कोई भी चीजें आपके ना कंफर्टेबल महसूस नहीं कर पा रहे हो, तो फिर वो कोई मतलब नहीं होता है। अब मैं अगला आपको ब्लाउज दिखाऊं, तो ये भी मैंने ना इस तरीके से फ्रंट ओपन करवाया हुआ है। मेरी एक मीशो की साड़ी है, वो चुनरी प्रिंट में है, उसमें मुझे ये ब्लाउज मिला था, तो मैंने फ्रंट ओपन करवाया, इसमें पफ लगवाया हुआ है और स्लीव मैंने इसमें ना 3 इंच की स्लीव बनवाई हुई है। और बैक साइड की बात करें तो बैक साइड इस तरीके का है, जो छोटा सा राउंड में आपको कंगन मिलेगा और उसके साथ ना आपको इस तरीके की डिजाइन मिलेगी, यानी नीचे से भी वी टाइप का है, ऊपर से भी वी टाइप का है। देखने में बहुत प्यारा लग रहा है, लुक वाइज बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब इस टाइप की डिजाइन अगर आपको अलाउ हो तो आप जरूर करवा सकते हो इसको, मतलब अच्छा लगता है, किसी पार्टी में भी पहन के जा सकते हो नॉर्मली अगर आप वेयर करते हो तो ये आप स्टिच करा सकते हो। अगले पीस की बात करूं तो मैंने एक ब्रॉकेट का ब्लाउज बनवाया था, ये अलग से सारी साड़ियों के पर्पज से। तो ये आप देखोगे तो मैंने फ्रंट ओपन करवाया हुआ है, स्लीव नॉर्मल है, कोई डिजाइन नहीं है। बैक स्लीव की बात, बैक की बात करूं नेक की, तो इस तरीके का नेक बनवाया है, इसमें बटन बटन आपको चारों तरफ मिलेंगे और राउंड राउंड मिलेगा, दो राउंड आपको छोटे मिलेंगे जिसमें पाइपिंग के साथ फिनिश किया गया है, बीच में बड़ा राउंड मिलेगा। इतना प्यारा ये नेक लगता है ना, मतलब पहनने पे जो लुक आता है इसका, ये बहुत प्यारा आता है। आप कोई भी ब्लाउज ऐसा जो स्टिच कराते हो जो कई साड़ियों पे पहनने में आपका चल जाए, तो उस टाइप की साड़ियों पे अगर आप इसको मतलब कि स्टिच करा लेते हो ये डिजाइन, तो आपके बहुत काम आता है। और इसमें थोड़ा सा ये रहता है कि मैं बाल वगैरह खुली रहती हूँ ना, तो बटन में बाल फंस जाते हैं, लेकिन ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। कपड़ा अच्छा है, सॉफ्ट है, डिजाइन अच्छी है, आप अच्छे तरीके से उसको वेयर कर रहे हो, अच्छे से मैच कर रहे हो, उस टाइप की डिजाइन पहने हो, तो एक जो लुक आता है ना, वो बिल्कुल अलग लुक आता है। अब अगला ब्लाउज अपना दिखा देती हूँ, ये भी मैंने कपड़ा लेके बनवाया हुआ था। फ्रंट आपको इस तरीके का स्टैंड मिलेगा, कॉलर जो बैक मतलब कि फुल स्टैंड होता ना, उस तरीके का फुल स्टैंड मिलेगा। बैक साइड की बात करूं तो ये आप ओपन देख रहे होगे, इसमें बटन लगी हुई है, तो ये बैक साइड का फ्रंट मिलेगा आपको, और इसमें आपको पूरी तरफ ऐसे ना बटने मिलेंगी, जो कि मैंने ना ऐसे इसके डिजाइन के मतलब जो इसमें फ्लावर बने हैं ना, उस डिजाइन का मैंने इसमें बटन लगवा दिया है। स्लीव की बात करूं तो स्लीव भी इसी तरीके की है, ये फुल स्लीव आपको मिलने वाली है, यहाँ पर हुक लगा है जिसमें आपको इस तरीके का बटन मिलेगा, यानी ऐसे बटन आपको मिलेंगे जो स्लीव पे मिलेगा। इसकी भी क्वालिटी कपड़े की बहुत अच्छी थी, इसलिए मैंने सोचा था कि मतलब मैंने अलग से कपड़ा लिया था, तो मैंने सोचा था कि कुछ इसको इस तरीके के पैटर्न से सिलवाऊं, ताकि मैं किसी भी साड़ी पे वेयर कर सकूं। और मैंने इसको इतना पहना है, मतलब मैंने हद पहना है, बहुत ज्यादा पहना है इसको, मैंने बहुत ज्यादा इसको वेयर किया था, तो मुझे ये ब्लाउज बहुत पसंद आता है। शायद मैंने इस पे एक दो ब्लाउज और भी बनवाए हैं इस टाइप के नेक के, तो मुझे बहुत पसंद आते हैं। अगले पीस की बात करूं तो इसे सिंपल से मैंने व्हाइट कलर का कॉटन का कपड़ा लिया था, कॉटन की साड़ी के अकॉर्डिंग। इसमें आपको ब्लैक कलर की पाइपिंग मिलेगी। पीछे साइड की बात करूं तो आपको ऐसा वी नेक मिलने वाला है, जिसमें वी नेक ओपन मतलब पीछे से बैक ओपन है। और इसकी स्लीव की बात करूं ना, तो इसमें इस तरीके का बॉर्डर मिला था जो स्लीव पे हमने लगवा दिया था, और चुन्नट से आपको पफ की स्लीव मिलती है। जब इसको मैं वेयर करती हूँ किसी भी प्लेन साड़ी के साथ, मैंने इसको बहुत पहना है ब्लैक कलर की, मुझे इतना ज्यादा प्यारा लगता है, इतना प्यारा सा लुक आता है इसको पहनने में, तो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है ये। और ये कॉटन के जो ब्लाउज होते हैं ना, वो अलग ही होते हैं, मतलब उसका लेबल ही अलग होता है जब आप उसको वेयर करते हो, क्योंकि आपको बहुत अच्छा लगता है, आपको कहीं से चुभता नहीं है वो पहनने में, तो बहुत अच्छा लुक आता है। अगले ब्लाउज की बात करूं तो ये भी मैंने ऐसे सिंपल सा बनवाया है, अलग से कपड़ा लेके। आप देखोगे तो आपको फ्रंट में ऐसा गोल गला मिलता है, पीछे की बात करूं तो बैक मैंने ओपन करवाया हुआ है, नेक मेरा सिंपल है। और इसकी स्लीव की बात करूं तो इस तरीके की स्लीव है इसमें, यानी कि ये पूरा सिंपल, यहां तक आपको सिंपल मिलता है, और लास्ट में जो फिनिश हुआ है वो पाइपिंग से हुआ है, और ये आपको हल्का सा ऐसा ना पफ टाइप का मिलता है, तो ये बहुत ही प्यारा लुक आता है। इसमें ना कोई डार्क कलर पे रेड कलर, येलो कलर, ग्रीन कलर के ब्लाउज अगर इस टाइप के उसमें आप स्टिच कराते हो तो बहुत ही प्यारे लगोगे। मुझे ये ब्लाउज बहुत अच्छा लगा था। ये सब ब्लाउज मैं ना अलग अलग कलर के इसलिए मतलब बनवा लेती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत सारी साड़ियां ना वेयर करनी पड़ती है, ब्लाउज मैच नहीं हो पाता है, तो मैं सोचती हूँ कि इसके साथ में मैच करती जाऊं, तो उसके लिए मैं बनवा लेती हूँ। अब सबसे लास्ट में मैं अपनी पीस की बात कर लेती हूँ।
सबसे लास्ट जो ब्लाउज ये मेरी एक साड़ी पर का है, सामने से आप देखोगे बहुत ही प्यारा सा नेक दिया हुआ है इसमें जो राउंड में दिया हुआ है। मैंने स्लीवलेस ब्लाउज करवाया है। बैक की बात करूं तो बैक में से ऊपर साइड ना हुक लगा हुआ है, इस हुक को अगर आप बंद करते हो इस तरीके से, इसको बंद करते हो तो नीचे से आपको इस तरीके की डिजाइन आती है और नीचे से भी ये ओपन हो जाता है, यानी पूरा बैक ओपन है, नीचे से भी ओपन हो जाएगा। ऊपर दो हुक लगे हैं, नीचे दो हुक लगे हैं, और जैसा मैंने फ्रंट में दिखाया कि एक जो हुक के साइड में ना इस तरीके का इसमें ना डोरी लगी हुई है, यानी फ्रिल बना हुआ है। तो बहुत ही प्यारा लगता है ये, मतलब जब मैं पहनती हूँ ना ब्लाउज के साथ, मतलब साड़ी के ब्लाउज का इसका मैच करती हूँ तो ये बहुत ही प्यारा लुक आता है। मुझे ये ब्लाउज बहुत ज्यादा पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद है। तो ये थे मेरे साड़ी के ब्लाउज के कलेक्शन। आपका कहना था कि मैं ऐसे कलेक्शन लेके आऊँ आपके लिए, तो मैं लेके आई। अगर आप चाहते हो कि बिल्कुल मतलब इससे भी हटके कुछ डिजाइन होनी चाहिए और हटके, मतलब जो स्लीव में भी हो बैक में भी हो काफी डिजाइन हो, इस टाइप के भी डिजाइन मैं जरूर लेके आऊंगी। मैं डिजाइने बहुत सिंपल सिंपल सी वेयर करती हूँ, क्योंकि मैं सोचती हूँ कि कुछ ऐसी साड़ियों पे ब्लाउज में वेयर करके आप लोगों को शेयर करूं कि टेलर लोगों को भी बनाने में बताने में ईजी हो। और ये सब ब्लाउज हम अधिकतर यूज करते हैं पार्टी में इधर या फिर कहीं पे भी जाते हैं तो हम ये स्टेप के ब्लाउज पहन पाए, तो सबके लिए ये ब्लाउज परफेक्ट है। मैं वैसे ब्लाउज आपके लिए लेके आई थी। तो ये था मेरा आज का ब्लाउज कलेक्शन, आपको कैसा लगा है कमेंट करके बता दीजिए। और अगर आपके आप चाहते हो कि मैं बहुत अच्छी अच्छी वीडियो बनाती रहूं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो उसका आंसर आपको मेरे इंस्टाग्राम की आईडी पे मिल जाएगा। प्लस अगर आपको ऐसा लगता है कि इससे कुछ हटके मुझे वीडियो बनाना चाहिए या फिर कुछ कलेक्शन आप भी चाहते हो मैं किस पे वीडियो बनाऊं, आप वो मुझे बता सकते हो। मैं जरूर चाहूंगी कि अगला वीडियो आपकी पसंद का हो। तो ये था मेरा आज का वीडियो, अब वीडियो यहीं खत्म करती हूँ। बहुत जल्दी मिलूंगी नए वीडियो के साथ, बहुत प्यारे से वीडियो के साथ। अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का भी ध्यान रखिए। बाय बाय।